ये है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का बेस मॉडल रेडिश रेड कलर के साथ। अब क्लासिक 350 पूरी तरह बदल चुकी है, इसमें बहुत सारे कंपनी ने बदलाव किए हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सरूम है 1,87,246 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,16,562 रुपये बिना एसेसरीज के। आर्यमान राय मथुरा शोरूम में माइलेज क्या है, फीचर्स क्या हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो इसके जो साइड व्यू मिरर हैं वो यहाँ पर आपको फुली क्रोम के साथ मिल जाते हैं जो कि मेटल के दिए गए हैं, और इसके हेडलाइट सेक्शन के ऊपर आपको दो पायलट लैंप मिलती हैं हेलोजन के साथ। तो सबसे पहले हम बाइक को यहाँ से सेल्फ को दबाकर स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है जो कि 60x55 वाट का दिया गया है, जिसमें आपको नाइट के लिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी और काफ़ी अच्छी रोशनी मिलती है। इस बाइक में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि 10 वाट के बल्ब के साथ दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सस्पेंशन यहाँ पर आपको फुली कवर मिलते हैं जिसमें लीकेज की प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। फ्रंट वाला जो मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 350 जैसा देखने को मिलता है। दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 300mm की डायमीटर की डिस्क मिलती है ABS के साथ, जिसमें ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर मिलते हैं। टायर की साइज़ की बात करें तो 100x90 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं जिसमें 19 इंच के स्पॉक व्हील दिए गए हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें 41mm का फॉर्क मिलता है, 130mm का ट्रेवल दिया है। इसका जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलता है। नए लुक के साथ इसका की पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आपको एनालॉग का स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट की वार्निंग, गियर न्यूट्रल और बैटरी की वार्निंग, ABS, इंजन माल फंक्शन, लो फ्यूल की वार्निंग मिलती है, इंडिकेशन, और यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिलता है जिसमें आपको फ्यूल गेज दिया गया है जिसमें आपको किलोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलती है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको डिजिटल क्लॉक के साथ साथ ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पर आपको क्रोम की हैंडल बार रॉड दी गई है। इसके जो साइड व्यू मिरर हैं वो यहाँ पर आपको फुली क्रोम के मेटल के साथ दिए गए हैं, और इसके जो लीवर हैं वो भी यहाँ पर आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्विचेस की बात करें तो लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है जो कि काफ़ी स्टाइलिश हैं, और इसके दूसरी साइड में भी आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और लुक में दिया गया। नीचे आपको एक रेड कलर का हैजार्ड लाइट का यहाँ पर आपको स्विच मिलता है। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो कंपनी ने इसका एग्जॉस्ट, इसका इंजन, इसका चेसिस, इसका बॉडी कलर, इसके सीट, सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर आपको वेजिंग मिल जाती है जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इस बाइक में आपको 13 लीटर की यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर आपको क्रोम का एक फ्यूल टैंक का कवर दिया गया है। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो अब इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है पिलियन और राइडर के लिए जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में दी गई हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सीट हाइट भी मिल जाती है, और साइड बॉडी के जो पैनल हैं उसके ऊपर आपको क्लासिक 350 का स्टिकर मिलता है, और जहाँ पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है सबसे बड़ा जो बदलाव है वो इसके इंजन में किया गया है, जिसका जो इंजन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है जिसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है। अब इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलते हैं, 170mm इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है। इसका जो वजन है वो अब कंपनी ने 195kg कर दिया है। इसमें दिया है 349cc का एयर ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रो फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो देता है 20.2 BHP की पावर 6,100 RPM पर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4,000 RPM पर। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको इसके साइलेंसर में देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप इसके पुराने वाले मॉडल से इसके साइलेंसर को कंपेयर कर सकते हैं जो कि काफ़ी छोटा और काफ़ी मस्कुलर सी डिज़ाइन में इसको पेश किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस बाइक को स्टार्ट कर लेता हूं और इसके एग्जॉस्ट के साउंड को आपको नोट करा देता हूं। तो दोस्तों आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा पुरानी वाली क्लासिक 350 के एग्जॉस्ट के साउंड के मुकाबले, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके रियर सेक्शन की बात करें तो लेडी पिलियन के पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है, और रियर में आपको ट्विन ट्यूब एमल्सन शॉक एब्जॉर्बर विथ 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड टाइप का सस्पेंशन दिया है। 120/80/18 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है 18 इंच के स्पॉक व्हील के साथ। जैसा कि ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको ओनली सिंगल चैनल ABS मिलता है, और यहाँ पर आपको एक बैक रेस्ट मिल जाता है जो आपको बाइक के साथ नहीं मिलता है, ये आपको अलग से एसेसरीज के तौर पर लगवाना पड़ता है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का स्टिकर
और यहाँ पर आपको मिलती है दोस्तों शोरूम की डिटेल, आप इस नीचे वाले दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको कम्प्लीटली चेंज मिलती है, जो कि हैलोजन की दी गई, जो कि आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाती है। दोनों ही साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। पहले से इस बाइक का जो लुक है वो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लासिक और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। इसका जो कर्व वेट है वो यहाँ पर अब आपको 195 केजी का मिलता है। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का एक साड़ी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है क्लासिक 350 का स्टिकर। रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। और इसका जो इंजन है वो अब कंपनी ने चेंज कर दिया है कम्प्लीटली। ये वाला जो इंजन है वो आपको मैट्योर 350 में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाए और इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है। माइलेज की बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज देती है ये बाइक। तो प्राइस की बात करें तो क्लासिक 350 क्रोम रेड टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत है 2,51,442 रुपये और क्लासिक 350 डार्क स्टेल ब्लैक कलर की ऑन रोड कीमत है 2,47,300 रुपये और क्लासिक 350 हेल्सियन ग्रीन कलर की ऑन रोड कीमत है 2,26,487 रुपये। अब बात करें बुलेट स्टैंडर्ड 350 की कीमत के बारे में, तो स्टैंडर्ड 350 की ऑन रोड कीमत है 1,76,980 रुपये बिना एसेसरीज के। ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है आर्यमान रॉयल एनफील्ड शोरूम राय मथुरा की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।